press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट, तो चलिए दोस्तों मैं आज दूंगा आपको पांच और टिप्स जिनको आपको रखना है याद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों अगर आपने मेरा अभी तक पहला पार्ट स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर पार्ट 1 नहीं देखा तो इस आई बटन को क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं जस कीरत सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल अड्डा। तो नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहली टिप, एज अ बिगिनर शुड इन्वेस्ट इन एस्टैब्लिश कंपनी गिविंग कॉन्स्टेंटली गुड रिजल्ट। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो बिगिनर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक एस्टैब्लिश कंपनी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि एस्टैब्लिश कंपनी काफी सालों से गुड रिजल्ट दे रही होगी, उनके काफी सारे उनके प्रॉफिट्स होंगे, जिसकी वजह से आपका मोटिवेशनल लेवल नहीं टूटेगा। अगर मान लीजिए आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट भी करा तो वो थोड़े टाइम नहीं भी बढ़ रहा, पर आपको पता है वो कंपनी अच्छी है और वो अच्छे रिजल्ट, उसके बहुत पिछले जितने भी रिजल्ट देख लो बहुत अच्छे हैं, तो वो पक्का ग्रो करेगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो उससे आपका जो मोटिवेशनल लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर स्टार्टिंग में ही आप बहुत स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा रिस्क ले लोगे, उससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस होने से आपको ये होगा कि स्टॉक मार्केट सच्ची में यार जुआ है, पर एक्चुअल में दोस्तों स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां आप पैसे अपने दिमाग से बना सकते हैं। ये मत सोचना कि स्टॉक मार्केट में आप आए, स्टॉक मार्केट लॉटरी टिकट नहीं है। अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट अपने दिमाग से करोगे और सोच समझ के करोगे तो इस मार्केट से अच्छी मार्केट कोई भी नहीं है। तो मेरी ये पहली टिप है कि अगर आप बिगनर हो तो स्टॉक मार्केट में उन्हीं कंपनीज में पहले जाओ जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों। तो टिप नंबर 2, डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जब आप कर रहे होगे तो आपको काफी कॉल्स भी आया करेंगी ट्रेडर से, आप सर ये वाला स्टॉक ले लीजिए, अगर आपको टिप्स चाहिए तो हम दे देते हैं। थोड़ा बहुत इनको दोस्तों इग्नोर करना, और दोस्तों जो अफवाहें चलती है उनको भी थोड़ा इग्नोर करना। मान लीजिए अगर कैसे एक दोस्त ने आपके फ्रेंड ने भी ले लिया, उसने कहा मैंने तो 10 रुपए के हिसाब से इसके 1000 शेयर्स ले लिए, तू भी ले ले, ये रेट बहुत बढ़ेगा आगे, 10 का 100 हो जाएगा, तो दोस्तों मत बिलीव करिए। जब तक आप उस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो आप उसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो। मान लीजिए अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको उस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप क्या वो बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी एक बिजनेस है। अपना पैसा किसी कंपनी को देना, आपने अपना पैसा उधार दिए कि हाँ मेरे को आपने शेयर होल्डर तो बनाया, मेरे को आप रिटर्न्स दो, पर रिटर्न वही कंपनी देती है जो लोग अच्छा काम कर रही होती है। तो अफवाहों में मत जाना दोस्तों, अफवाहों से क्या होता है, किसी ने भी कह दिया कि ये स्टॉक ले लो, मान लीजिए आपने 10 में परचेज कर लिया और वो बाद में उसका रेट हो गया 7, वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो कंपनी पहले से लॉस में चल रही है और आपने ये चीज नहीं देखी, बस आपने दोस्त की बात सुनी। तो इन सब बातों को इग्नोर करना। तो टिप नंबर 3 है स्पेसिफिक टारगेट। स्टॉक मार्केट में आप कभी भी जब स्टॉक लोगे तो एक टारगेट जरूर बनाना। मान लीजिए आपने कोई भी 60 रुपीज का स्टॉक लिया तो थोड़ा बहुत आप टेक्निकल एनालिसिस करके उसका एक स्पेसिफिक टारगेट बनाना कि हाँ जी मैंने 60 में बाय प्राइस है और सेल प्राइस इसका ये है। वो बनाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको नहीं भी आता तो आप किसी से हेल्प ले लीजिए, या न्यूज में थोड़ा बहुत इसके बारे में समझाते रहते तो वहां से आप हेल्प लेकर ये कर सकते हैं। थोड़ा बहुत भी आने से आपको काफी स्पेसिफिक टारगेट आपके अचीव हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका टारगेट है 60 रुपीज परचेज का और सेलिंग का है 80 रुपीज और आप वो टारगेट अचीव करना ही भूल गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए 80 के बाद नीचे आ जाएगा तो उससे आपको लॉस हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में ये 3rd टिप है कि आपको स्पेसिफिक टारगेट जरूर होने चाहिए। तो 4th टिप है रीड एनुअल रिपोर्ट एंड एनालाइज क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर दोस्तों आप स्टॉक कोई भी ले रहे हैं तो उसकी एनुअल रिपोर्ट्स जरूर देखना। एनुअल रिपोर्ट्स आपको बताएंगी कि स्टॉक ये जो कंपनी है इसने अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करा हुआ है, क्या क्या इसके काम है, किस क्या क्या इसके प्रोसेस है, कितने इसके पास एम्प्लॉयज है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। बुरी मतलब जो लो लेवल की है, मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो एनुअल रिपोर्ट से कि हाँ कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में पैसा लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो एनुअल रिपोर्ट रीड करने से बहुत बड़ा फायदा होता है। उसके बाद आपको क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी देखने चाहिए। आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स उसके देखो कि हर क्वार्टर ये कितना रिजल्ट, क्या कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, इनके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। इन सब बातों के बिना अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 5th नंबर है हमारा अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब अगर आप कोई भी स्टॉक परचेज कर रहे हो तो उससे पहले आप उस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी जरूर देखें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी जरूर देखें कि हाँ मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा तो ये इतना डिस्ट्रीब्यूशन लेवल है, ये कंपनी दूर दूर तक जाएगी या सिर्फ इतने एरिया में है। मान लीजिए आपने एक एमपी की कंपनी में इन्वेस्ट करा,
क्या वो कंपनी पूरे इंडिया में आने वाली है? अगर दोस्तों हाँ, उसके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल में आपको उसके बारे में न्यूज आती है और आपने जैसे इन्वेस्ट करा, उसके बाद न्यूज आती है कि अब ये कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी कहती है कि हम ग्रो करके अपने और सिटीज में आएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। उससे क्या होगा, आपके स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा। क्यों? कंपनी अच्छा अपने इन्वेस्टमेंट और भी कर रही है। तो आपको ये जरूर देखना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करती है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है और कितना प्रॉफिट उनको आ रहा है। तो ये सब चीजें देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो ये थी दोस्तों आज की 5 टिप, होप कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको इन स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरा पेज, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।